इस बंदे की जो दवा दारू है ना, वो दवा दारू से नहीं हो सकता। इस बंदे को हमें स्विमिंग के अंदर अंदर आधा गर्दन तक पानी में लटका के इसको तब तक झटके देने चाहिए जब तक इसके बालों से, इसके कानों से, इसकी आंखों से, इसके दिमाग की नसों से धुएं ना निकल जाए। धुएं इसका हमें पूरा एक वो माइक्रो क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप लगा के चेक करना पड़ेगा कि भाई अंदर किसके दिमाग की नसें, इतने सालों सदियों से, मतलब जब दुनिया शुरू भी नहीं थी तब से इसकी नसें जाम पड़ी हुई हैं, तो भी इसकी नसें खुलेंगी नहीं। आप इसको शॉक दे दो, चाहे पूरा पूरा नासा नासा का वो क्या कहते हैं स्पेशल कंप्यूटर लगा के उसके उसके अंदर बिठा के शॉक दे दो, तो भी ये ठीक नहीं होने वाला। अभी बहुत देर हो चुकी है जी, इसकी नसें जाम नहीं हो चुकी, कड़क बोल चुकी, कड़क बोल चुकी, कड़क कड़क कड़क। वो कोई ऐसा वैसा दरिंदा नहीं है, वो बहुत ही खूंखार लेवल का दरिंदा है। वो इतनी बढ़िया वीडियो रोस्ट करता है, इतनी बढ़िया वीडियो रोस्ट करता है ना कि आप उसको देख कर खुद को मतलब जला हुआ महसूस करोगे, इतना तगड़ा रोस्टर है। उसने कैरी मिनाटी तक फेल कर दिया, आप जानते नहीं कैरी मिनाटी कितना बड़ा यूट्यूबर है, उस तक को फेल कर दिया, इसने उसको रोस्ट किया उसको। मतलब ये तो वही बात होगी, बाप ने हमारी मेंढ की, बेटा तीरंदाज बना घूम रहा है। अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। ज्यादा हो गया, मुझे पता है ये ज्यादा हो गया, पर क्या करे, इन गे को देख देख के परेशान हो रखा हूँ। इधर गए उधर गए, यहाँ गए वहां गए, कहाँ जाके मरेंगे, एक तरफ नौमान खान, एक तरफ वो, कैसे कैसे लोग भरे पड़े हैं। भगवान बाबा ऐसे बाबा तो छोड़ो, पहले तो इन गे से बचा लो, बाबा तो हम फिर भी किसी तरीके से बच जाएंगे, पर इन ये नौमान खान, ये नासिर खान जान जैसे लोगों से कौन बचाएगा हमें। बाबा तो क्या, इनसे तो मैं भगवान भी नहीं बचा सकता। हे भगवान कैसे बचाएगा, बचा ले बचा ले, बचा ले बचा ले बचा ले बचा ले। हे बाबा जी, आपके नाम पे दसवन चढ़ा रही हूँ, प्लीज प्लीज मेरी रक्षा करना प्लीज। 15 दिन बाद मेरे बेटे का ऑपरेशन है, उसका रिजल्ट अच्छे से लाना प्लीज, मेरे बेटे का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए बाबा जी। ये रहा दसवन बाबा जी, ये देखो, आप ही ने कहा था मेरे को सपने में आके कुबेर कुबेर सुपारी को इसमें गाड़ने के लिए। अब मैं ठीक 10-12 दिन बाद आऊंगी बाबा जी, प्लीज प्लीज बाबा जी। ये रहा, हे बाबा जी, अब 12 दिन बाद आ रही हूँ, प्लीज कृपा करें, मैंने आपके नाम का 10 बन चढ़ाया था, प्लीज मुझे इसका अच्छा रिजल्ट देना बाबा जी, प्लीज प्लीज बाबा जी प्लीज। हे निर्मल बाबा, आपकी सदा जय जयकार हो। इसी के साथ बाबा जी लोग लोगों को इस तरह का सोना देके, लोग पब्लिक का यही काटते हैं, बचपन से करते रहे, आज भी यही करता काटते हैं। ये सोने की शर्मियां देके पब्लिक का इतना बड़ा बेवकूफ काट रखा है कि बाबा जी के बारे में बस पूछो मत। बाबा जी का चूतिया काटने का कोई ये कोई नया तरीका नहीं है। बाबा जी ने एक कोर्स बचपन से किया और उन्हें पता पब्लिक अंधी और बेवकूफ पहले भी थी, आज भी और आगे भी रहेगी। बस ये लेके क्या निकल रहा है इसमें, सोने के नाम पे हक गोल्ड। ये बाबा जी बस यही जाते हैं, बाथरूम में हक के आ जाते हैं और लोगों को इसमें लाकर डाल देते हैं।